नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो बिग बॉस मराठी सीजन 2 को शुरू होने में अभी चंद दिन बचे हैं और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और ज्यादा एक्साइटमेंट तब बढ़ता है जब हम रात को 9:30 बजे सेम स्लॉट पे देखते हैं एकदम कड़क जो मराठी चैनल पे आ रहा है, यानी कलर्स मराठी पे आ रहा है, क्योंकि उसमें है सीजन 1 के कलाकार। तो कल के एपिसोड में ऐसी क्या क्या बातें हुई उसी पे चर्चा करते हैं। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कल के एकदम कड़क एपिसोड में आई हर्षदा ताई, और हर्षदा ताई की बहुत बढ़िया तारीफ की होस्ट ने, और उनको बताया कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हो इस आउटफिट में। और हर्षदा ने कहा कि ये मैंने स्पेशली इसी के लिए सिलवाया है। और बाद में उन्होंने तारीफ की रेशम टिपनिस की। उन्होंने बताया कि रेशम टिपनिस को मैं जानती हूँ, वो प्लानिंग नहीं कर सकती है, इसीलिए वो बिग बॉस शो को लंबा नहीं खींच पाई, जल्दी बाहर हो गई। इवन उनको लगता था कि ये विनर भी हो सकती थी, मगर जैसे उसकी नेचर है उस हिसाब से वो विनर नहीं बन पाई। और फिर बाद में दोस्तों हमने देखा कैसे फिर से पुष्कर ने वही कमजोर कड़ी शुरू की जो उनको शो में फील हुई थी कि मेघा ने उनको पीठ के पीछे छुरी घोपी है, यानी कि छुरी उनको मारी है पीठ के पीछे। तो जब ये शुरू हुई तो मेघा ने बहुत ही तरीके से इसको बोला, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने वापस से वो बातें शुरू की करने जो उस टाइम पे सीजन 1 में हुई थी, जब मेघा पुष्कर और सई की तिकड़ी टूटी थी और पुष्कर और सई एक तरफ होके मेघा के टोटली खिलाफ हो गए थे कि मेघा जो है उसने ये सब जानबूझ के किया है, उसने जानबूझ के मुझे नॉमिनेट किया है, वो सब चीजें हुई। मगर सई ने इस बात को पूरी तरह से खत्म करने की बात की कि नहीं नहीं, अभी ये बातें नहीं होंगी, अब वो बातें हो चुकी है, किस्सा खत्म, अभी फ्रेश नई सीरीज से शुरू करेंगे, वो बातें रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से काफी सारी चीजों को करते करते ये एकदम कड़क का एपिसोड आगे बढ़ा। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि वो चीजें वापस याद भी करते हैं ये लोग, और मगर उनपे झगड़े नहीं होते हैं, कम ही झगड़े होते हैं, और वो झगड़ों में भी एक तरह का एंटरटेनमेंट मिलता है हम सबको। तो आपको एकदम कड़क कैसा लग रहा है? आप 9:30 बजे देखते हैं कि नहीं देखते टीवी, जरूर बताइएगा, क्योंकि 9:30 बजे नेक्स्ट मंडे से शुरू हो जाएगा बिग बॉस मराठी सीजन 2। बने रहिए हमारे चैनल हंगरी स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।